आज मैं आपके साथ कुकम्बर पिकल बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैंने इंग्लिश खीरा लिया है, देसी नहीं लिया है। देसी में क्योंकि सीड्स बहुत बड़े होते हैं इसलिए मैंने ये इंग्लिश खीरा लिया है। इसको हम स्लाइस कर लेंगे। ये मैं इतना थिक स्लाइस ले रही हूँ। ऐसे हम सारे खीरे काट लेंगे। ये हमने 2 चम्मच नमक डाल दिया है क्योंकि खीरे में पानी बहुत होता है। नमक डालने से इसका पानी जितना भी है वो सब निकल जाएगा, तो उससे टेस्ट भी डेवलप होगा और खीरा क्रंची रहेगा थोड़ा। देखिए नमक डाला है, अभी से ही पानी इसका अलग होने लगा है। तो खीरे को हम ऐसे छलनी में निकाल के रख देंगे जिससे कि जो भी खीरे का लिक्विड है वो सब निकल जाएगा, सब ड्रेन हो जाएगा। इससे हम फिर उसके बाद इसका पिकल करेंगे। ये 1 घंटा मैंने रखा है, उसके बाद ये देखिए इसका सारा पानी निकल गया है। अब हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे जिससे कि जो हमने सॉल्ट लगाया था वो सारा सॉल्ट इसका निकल जाए। बहुत अच्छे से खुले पानी में हम इसको धो लेंगे अच्छे से। ये खीरे को अच्छे से मैंने धो दिया है, सारा इसका नमक निकल गया है और देखिए इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। ये मैंने 1.5 कप पानी रखा है क्योंकि बॉयल होने लगा है। और इसमें हम 2 कप ये व्हाइट विनेगर है, मैं व्हाइट विनेगर डाल रही हूँ। हम इसको उबालेंगे। पानी में हम 2 चम्मच नमक डाल रहे हैं। तीन चम्मच चीनी है, 1/2 चम्मच हल्दी, ये मैंने 1 चम्मच मस्टर्ड सीड्स लिए हैं, गोल्डन है, आप ब्राउन वाले भी डाल सकते हैं। और ये चिली फ्लेक्स लिए हैं। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी खाना है तो डाल दीजिए, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर अदरवाइज मत डालिए। हम इसको चलाएंगे अच्छे से और इसको थोड़ा बॉयल होने देंगे अभी। और इतने में ये जो हमने कुकम्बर हमने काट के रखा था हम इसको बॉटल में कर देंगे सारा। ये पानी और सिरका जो हमने रखा था बॉयल होने के लिए वो बॉयल हो गया है। हम इसको कुकम्बर वाले जार में हम इसको पूरा डाल देंगे। और जो खीरा है उससे थोड़ा ऊपर रखेंगे पानी, हम स्पून से इसको नीचे भी कर देंगे जिससे कि खीरा अच्छे से डिप हो जाए। इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा पूरा अच्छी तरीके से फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में आप इसको महीनों रख सकते हैं, खराब नहीं होगा। और आप इसको सैंडविच, बर्गर किसी के साथ भी खाएं, बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही टेस्टी लगेगा भी। तो ठंडा होने के बाद मैंने फ्रिज में रख दिया था पिकल जो कि तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा बना है, कलर कितना अच्छा है, देखिए कितना क्रंची भी है। आप इसको बर्गर के साथ, सैंडविच के साथ कैसे भी खा सकते हैं क्योंकि बहुत ही टेस्टी बना है और कोई ऑयल यूज नहीं किया, कोई ज्यादा मसाले नहीं यूज किए। आपको जरूर पसंद आएगा, आप भी बनाइए, सबको खिलाइए, खुद भी खाइए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी रेसिपी पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।